लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाएं लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। पाकिस्तान ने फिर तोड़ा सीज फायर, गोलीबारी में यूपी के दो जवान शहीद। पाकिस्तान ने 2003 के सीज फायर समझौते को मानने का वादा 4 दिन बाद ही तोड़ दिया। सीज फायर का उल्लंघन करते हुए उसने अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जमकर गोलीबारी की, रिहायशी इलाकों को भी निशाना बनाया। इसमें यूपी निवासी बीएसएफ के सहायक सब इंस्पेक्टर समेत 2 जवान शहीद हो गए, 1 पुलिसकर्मी महिला समेत 14 घायल हो गए। पाक ने शनिवार रात करीब 2 बजे सीमा की अग्रिम चौकियों को निशाना बनाते हुए अचानक भारी गोलाबारी शुरू कर दी। बीएसएफ की जवाबी कार्यवाही में 5 पाकनेजर के मारे जाने और 3 चौकियों के तबाह होने की सूचना है। गोलाबारी रविवार सुबह 11:30 बजे तक चली। कुछ इलाकों में 1 बजे तक भी गोले दागे गए। इसमें जम्मू जिले के परगवाल, कंचकक, कोटखोड़ सेक्टर प्रभावित हुए। यूपी के देवरिया जिले के बासपुर गांव के एसआई सत्यनारायण यादव व फतेहपुर की बिंद की तहसील के सलेहपुर गांव निवासी कांस्टेबल वीके पांडे घायल हो गए, जिन्होंने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। तो हम भी तोड़ देंगे सीज फायर। केंद्र सरकार ने पाक को चेताया कि वह लगातार सीमा पार से फायरिंग हुआ आतंकी कार्यवाही में जुटा रहेगा तो भारत रमजान में सीज फायर तोड़ने के लिए विवश हो जाएगा। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हंसराज जहीर ने कहा, हमने रमजान में कार्यवाही रोकने का निर्णय किया था, लेकिन पाक सुधरने का नाम नहीं ले रहा। सहमी गुड़िया झरोखे से निहारती रही पाकिस्तान गोले से क्षतिग्रस्त प्रदीप सिंह के मकान के बगल में ही उनके भाई राज सिंह का घर है। उनकी 3 साल की मासूम बेटी गुड़िया गोलाबारी से डरी सहमी हुई है। इनके मकान के खिड़की के शीशे भी धमाके से टूट गए हैं। घर के अंदर छुपी गुड़िया टूटी खिड़कियों से ही सारा नजारा निहार रही है। घर से बाहर निकलने तक हिम्मत नहीं जुटा पा रही है। पाक कहता कुछ है, करता कुछ और। कॉपीराइट होल्डर न्यूज डैशटैग। बीएसएफ के आईजी राम अवतार ने कहा कि गोलाबारी ने या फिर साबित कर दिया है कि इस्लामाबाद कहता कुछ और करता कुछ और है। वही आईजी जम्मू एसडी सिंह जम्बाल ने कहा है कि पाकिस्तान की ओर से सीज फायर उल्लंघन के बाद उत्पन्न किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पुलिस तैयार है, घबराने की जरूरत नहीं है।